बकायेदारों से वसूली के लिए गठित नगर निगम के कुर्की दल ने वैशाली नगर जोन क्षेत्र से 6,64,000 रुपए की संपत्ति कर की वसूली की। कुर्की की कार्रवाई को होता देख कई बकायेदारों ने मौके पर ही राशि जमा की। लंबे वक्त से संपत्ति कर की राशि नगर निगम में जमा करने से बच रहे शहर के बड़े बकायेदारों पर कुर्की की कार्रवाई के लिए निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा कुर्की दल गठित किया गया है, जो बकायेदारों के पास नियमित रूप से कुर्की कार्रवाई के लिए पहुंच रहा है। इसी के तहत दल में शामिल सदस्यों ने वैशाली नगर क्षेत्र के बड़े बकायेदारों से संपत्ति कर की राशि वसूल की। इसमें नागसेन स्कूल, हांडा इंजीनियरिंग, गणेश लाल दास, बी के स्टील से कुल 6,64,321 रुपये की राशि वसूली गई। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। कुर्की की कार्रवाई के लिए जो बकायेदार की वसूली के लिए कुर्की कार्रवाई की दल का जो गठन किया गया है, लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है और अभी तक 8 लोगों से लाखों रुपए की वसूली की जा चुकी है। वैशाली नगर जोन क्षेत्र में जो दल है पुलिस बल के साथ में वो टीम कार्रवाई करने गई थी और लगभग 6 लाख रुपये की वसूली जो है वो 4 लोगों से की गई है। बकायेदारों से मेरी अपील है कि वो अपना संपत्ति कर जो है वो जमा कर दें, जो बकाया राशि वो जमा कर दें ताकि कुर्की की कार्रवाई से बचे, क्योंकि एक दुकान जो है वो सील की जा चुकी है और ये कार्रवाई जो है अभी निरंतर जारी रहेगी। इसका पूरा शेड्यूल जो है वो तैयार किया गया है, हर जोन में इस पर कार्रवाई की जानी है। इसलिए जो संपत्ति कर के बकायेदार हैं वो जमा कर दें और जिन्होंने संपत्ति कर जमा भी नहीं की है वो मार्च तक का जो समय रहता है उससे पूर्व कर दें, नहीं तो उनको अधिभार और शास्ति भी अधिरूपित किया जाएगा। इसलिए समय है, समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए अपना संपत्ति कर जमा कर लें। बहरहाल कुर्की कार्रवाई से बचने बकायेदारों ने राशि जमा करने की शुरुआत कर दी है। ऐसे बकायेदारों से वसूली को लेकर नगर निगम द्वारा लंबे वक्त से नोटिस दिया जा रहा था। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।